नमस्कार मित्रों, बीके गाइड चैनल में आपका स्वागत है। आपको स्क्रीन पर ये जो चार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कंपैरेटिव हिस्टोग्राम। इसमें एक ही कैटेगरी का दो वैल्यू साइड बाय साइड होते हैं, जिससे कि कंपैरिजन आसान हो जाता है। जैसे ये हमारा डेटा है, इसमें एज ग्रुप है और एज ग्रुप का मेल और फीमेल का परसेंटेज दिया हुआ है, तो इसको साइड बाय साइड रहने से कंपैरिजन बहुत आसान हो जाता है। ये एक तरह का बार चार्ट है और इसको कैसे बनाते हैं, चलिए इसको सीखते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि पहले हम लोग डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक डेटा को सेलेक्ट कर लिए और इसके बाद चले जाते हैं इंसर्ट में, और इंसर्ट के बाद यहाँ चार्ट ग्रुप में ये कॉलम और बार चार्ट है, इसको क्लिक करते हैं। तो इसमें नीचे देखिए ये टू डी बार है, इसमें पहला क्लस्टर्ड बार, इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। इससे पहले एक चीज ध्यान हम लोग को देना है कि डेटा में एक वैल्यू जो है आपका माइनस में होना चाहिए। अगर वैल्यू डाटा का माइनस नहीं है, उसको माइनस कर लेंगे ताकि ये साइड बाय साइड है। माइनस नहीं होने से ये चार्ट साइड बाय साइड नहीं आएगा। तो जैसे यहाँ फीमेल को माइनस कर लिया गया है और मेल को प्लस है। चलिए इसमें चार्ट को देखते हैं। तो ये क्लस्टर्ड बार चार्ट इंसर्ट हो गया। अब इसको कैसे कंपैरेटिव हिस्टोग्राम बनाते हैं, ये चलिए देखते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग पहले करते हैं कि ये जो आपका वर्टिकल एक्सिस है, इसको सेलेक्ट करते हैं। ये वर्टिकल एक्सिस बीच में है, इसको हमको एक किनारे ले जाना है। तो इसको दो बार क्लिक कीजिएगा तो दाहिने तरफ ये देखिए ये खुल जाता है कॉन्टेक्स्ट मेनू, और इसमें इसमें यह नीचे जो है लेबल को क्लिक करते हैं, और इसमें देखिए लेबल लोकेशन है यहाँ लिखा हुआ नेक्स्ट टू एक्सिस, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ये हाई लो नन है, तो हम इसको लो कर देते हैं। लो कर देने से क्या होगा कि ये लेफ्ट साइड में चला जाएगा, हाई करेंगे तो राइट साइड में चला जाएगा। तो ये लो, देखिए लो करने पर यहाँ चला आया। अगर इसको हम लोग हाई करते तो ये चला जाता दाहिने तरफ। तो चलिए हम लोग इसको पहले लो कर लेते हैं। ये होगा हमारा, हो गया लेवल, आ गया वर्टिकल एक्सिस का बाईं तरफ। अब इसके बाद इसमें देखिए जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसमें माइनस लिखा हुआ, -30 -20, हमको चाहिए सिर्फ प्लस में, तो इसको भी क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट एक्सिस आ जाता है। अब इसमें जो है एक्सिस ऑप्शन को क्लिक करते हैं। अब इसमें चले आते हैं नंबर में। नंबर में ये कैटेगरी लिखा हुआ परसेंटेज, इसको यहाँ क्लिक कीजिए तो ड्रॉप डाउन खुलेगा, इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ कस्टम। अब कस्टम में क्या करते हैं कि कस्टम में हम लोग ऐड करते हैं 0%, इसके बाद सेमी कॉलन, फिर से 0% और सेमी कॉलन, 0%, इसको कर देते हैं ऐड। तो देखिए ये सब माइनस हट गया और इस तरह से ये हो गया। ये हमारा एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस ठीक हो गया। अब इसके बाद ये जो बार चार्ट है उसको सामने सामने आना चाहिए। इसमें से किसी को सेलेक्ट कीजिए और फॉर्मेट डाटा सीरीज यहाँ पर आ जाता है। अब इसमें क्या है कि ये सीरीज ओवरलैप जो है ये 0% है, इसको हम लोग कर देते हैं 100%। देखिए 100% करने से ये साइड बाय साइड आ जाता है। अब ये गैप विड्थ जो है इसको कर देते हैं 0%। ये देखिए इस तरह से ये कंपैरेटिव हिस्टोग्राम बन गया। अब एक काम और करना है इसमें कि ये
हमारा लीजेंड जो है इसमें सीरीज वन सीरीज टू लिख रहा है, इसको हम डिलीट कर देते हैं और हमको चाहिए मेल और फीमेल और कलर भी इस तरह से चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये चार्ट हमारा सेलेक्टेड होना चाहिए और चार्ट सेलेक्शन के साथ आप चले जाते हैं इंसर्ट में और इसमें सेप इंसर्ट करते हैं हम लोग। यहाँ ये सेप को क्लिक किए और ये रेक्टेंगुलर सेप जो है राउंडेड रेक्टेंगुलर इसको क्लिक करते हैं और यहाँ आकर के इसको इंसर्ट कर देते हैं। इसका कलर हमको चाहिए इस तरह का, तो यहाँ पर इसको क्लिक करके कलर कर देते हैं, इसको डबल क्लिक करके और यहाँ लिख देते हैं मेल। इसको साइज को ठीक कर लेते हैं और इसको जरा एडजस्ट कर लेते हैं। इसी तरह से फीमेल के लिए भी ये चार्ट को सेलेक्टेड रहने दीजिए और फिर से जाइए इंसर्ट में और यहाँ सेप, सेप में ये फिर से रेक्टेंगल राउंडेड कॉर्नर को क्लिक करते हैं और यहाँ लाते हैं हम लोग, यहाँ इसको इंसर्ट कर देते हैं, इसको डबल क्लिक करके और यहाँ लिख देते हैं फीमेल। इस तरह से हमारा ये कंपेरेटिव हिस्टोग्राम तैयार हो गया। चार्ट टाइटल को आप बदल सकते हैं या जैसा इच्छा हो कर सकते हैं। अब इसको इधर उधर जहां मूव करेंगे साथ साथ मूव करेगा मेल फीमेल। ये हो गया कंपेरेटिव हिस्टोग्राम, इसमें साइड बाय साइड डेटा को कंपेरिजन करना आसान होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो बीके गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।